अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं नींबू के बारे में, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है नींबू के ऊपर, आज मैं कसदन आपको ये साइज़ के हवाले से है कि हमारे फलों का साइज़ जो है बड़ा नहीं हो रहा, तो नींबू ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें कितने माशाल्लाह से भर फिल हुए हुआ है पूरा ये, और साइज़ भी इसका अच्छा खासा बड़ा हो गया है, लेकिन ये अभी और बड़ा होगा। ये हल्का सा, जैसे ये वाला आप देखें, ये हल्का सा येलोइश हो रहा है, और इसके लिए हमने सिर्फ ये यूरिया हमने ली है। ये यूरिया किसी भी आपको नर्सरी से या किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ये बड़े साइज़ का गमला है हमारा, 15 इंच का तकरीबन, और इसमें आपने ज़्यादा ज़्यादा 10-15 दाने इसके अंदर डालने हैं हर 15 दिन के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि ये पौधे को फिर जला भी सकता है, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है ना। और जैसे मैंने ये नींबू, ये टमाटर का मैंने है, इसको भी मैंने कटिंग वगैरह करके रखी हुई है, और इसमें भी यूरिया डाली है, तो ये सारे नए अभी इसमें पत्ते आना शुरू हो गए हैं। और ये गुलाब का भी है, इसकी भी मैंने ये कटिंग करी थी सारी, और इसमें भी अब ये नए आना शुरू हो गए हैं, हरे हो रहे हैं सारे पत्ते ये। तो आपको अगर नींबू का साइज़ बढ़ाना है, उनकी तादाद ज़्यादा चाहिए, सिर्फ नींबू के लिए नहीं, हर पौधे में, हर फल के, सब्ज़ी के, जिसका भी आपका पौधा है जिसका आप साइज़ चाहते हैं अच्छा हो, बड़ा दाना हो, तो उसके लिए आपको ये यूरिया डालनी है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह लदे हुए हैं नींबू सारे, ये सब इसी यूरिया की वजह से। तो आपको और भी कोई एडवाइस चाहिए हो तो मुझे लाजमी कमेंट करें, और जो हम लोग हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।